पूर्वोत्तर को लेकर हमारी सरकार कैसे काम कर रही है उसका एक उदाहरण बांस की खेती से है। बैम्बू यहां के जीवन शैली का एक अहम हिस्सा है। आज बैम्बू प्रोडक्ट्स पूरे देश और दुनिया में पॉपुलर हो रहे हैं, लेकिन अंग्रेजों के जमाने से, उस समय से बैम्बू काटने पर ऐसी कानूनी बंधन लगाए हुए थे कि हमारे आदिवासी उत्तर पूर्वी इलाके के लोगों को जीवन में एक रुकावट बन गया था। इसलिए हमने उस कानून को बदला और अब बैम्बू आप उगा सकते हैं, बैम्बू काट सकते हैं, बैम्बू बेच सकते हैं, बैम्बू का वैल्यू एडिशन करते हैं और खुले बाजार में जाकर के आप व्यापार कर सकते हैं। जैसे फसल उगाते हैं वैसे बाम्बू भी उगा सकते हैं। ये जो बम्बू बहुत इम्पोर्टेंट रोल करता है, चाहे आप बगान बनाओ, घर बनाओ, कोई भी एंगल से आप ये बम्बू यूज होता है। और हम लोग का जो पुराना जमाना से इसको प्रिजर्व करके आया है, ये बम्बू बहुत इम्पोर्टेंट है हम लोग का लाइफ में। तो एडोप्ट हो रहा है, ये कच्चा घर को बम्बू घर को छोड़ के आरसी बन रहा है। और सबसे पहले तो हम लोग अपना ट्रेडिशनल को नहीं छोड़ने से अच्छा है, क्योंकि वो एक तरफ से हम लोग का ट्राइबल्स आइडेंटिटी होता है, उसको प्रिजर्व करके रखता है। एक तो होता है हम लोग का एक अपग्रेड करने का मौका है। आप मोदी जी ने बोला है तो अपग्रेड करने का मौका है, जो हम लोग मार्केट में कहीं से भी कलेक्ट करके हम लोग बम्बू को सेल कर सकता है। और ये अनएम्प्लॉयमेंट जो भी होता है ना, उन लोग भी इजीली काम कर सकता है, तो कई जंगल से कलेक्ट करके होलसेल में दे सकता है मार्केट में। वी आर हेयर एट ईटानगर, कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, एंड यस्टरडे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड मच एवेटेड ग्रीन फील्ड टोनी पोलो एयरपोर्ट एट होलोंगी। एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी एक्नोलेज द पावर ऑफ बैम्बू इन अरुणाचल प्रदेश एंड नॉर्थ ईस्ट। बैम्बू प्लांट हैज द पोटेंशियल फॉर डेवलपिंग इकोनॉमी ऑफ द स्टेट, बिकॉज ट्राइबल्स ऑफ अरुणाचल दे लिव विद बैम्बू सिंस टाइम इमेमोरियल। दे मेक देयर होम, दे यूज बैम्बू इन एवरी प्रोडक्ट, एंड बैम्बू कैन बी द सोर्स ऑफ इनकम फॉर द ट्राइबल सोसाइटी। हेयर विद अस चेयरमैन ऑफ अरुणाचल बैम्बू मिशन एंड बैम्बू एजेंसी तुंगरी एफा, ही विल डिस्क्राइब अबाउट दिस बैम्बू प्लांटेशन एंड बैम्बू मिशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश। बैम्बू की जो डेवलपमेंट एजेंसी है इसके चेयरमैन है हमारे साथ तुंगरी एफा जी, वो बताएंगे इस बैम्बू के बारे में ट्राइबल की जिंदगी में कितना इफेक्ट करता है। बहुत अच्छा हिस्ट्रिकल दिन है हम लोग का, जो बहुत सालों से सपना दिख रहा था कि एयरपोर्ट कब अरुणाचल में आए। तो पहले चौथा से सुन के आया था एयरपोर्ट एक दिन तो बनेगा बोल के, लेकिन हम लोग जब 2-3 साल में जब देखा कल असली चीज़ को प्लेन या में हमारा वो हलुंगी धोनी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर, वो उनमें कुछ हमारा प्रधानमंत्री जी, इंडिया का प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने खुद अपना से प्लेन लेके आया उतारा, और बहुत खुशी की बात है कि इंथर अरुणाचल के लिए। तो विटनेस किया कल हम लोग वहाँ में, हम लोग भी विटनेस करने गया था, बहुत अच्छा लगा है कि सच में आपने सही कहा कि हाइड्रो पावर हाइड्रो के लिए इनॉग्रेशन हुआ और धोनी पोलो एयरपोर्ट के लिए इनॉग्रेशन हुआ, तभी भी इतना इम्पोर्टेंट मैंने बम्बू सेक्टर को वो ने जिक्र किया, बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने उसी पहले भी नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बम्बू का युवा लोग के लिए कल को इंटरप्रेनर यहाँ से टूरिस्ट बढ़ाने के लिए बहुत बात निकाला है, और ये कार्गो भी होने वाला यहाँ से इंटर बम्बू सेक्टर को, तो यहाँ से कल बहुत आगे ले जा सकता है हम लोग का अरुणाचल में। तो काफ़ी पोटेंशियल है बम्बू जो है, और नॉर्थ ईस्ट में तो सबसे हम लोग का 85 जैसा स्पेसेस है यहाँ, तो इसमें बहुत हम तो विश्वास करता है कि ये हमारा सरकार का युवा नेता श्रीमान पेमा खांडू जी तो, और हमको समय समय पर जब भी मीटिंग में वो जिक्र करता है कि बम्बू के लिए आप कुछ कीजिए, उन्होंने बहुत काफ़ी सपोर्ट दे रहा है। हम दोनों बहुत काम करने का प्लानिंग किया था, लेकिन कोरोना वायरस ने बहुत बीच में हम लोग को खा दिया समय को। तो भी जब तक हम
अभी कोशिश करेगा यहाँ का हमको चेयरमैन बंबू चेयरमैन बनाने का बाद जो हम कोशिश कर रहे हैं कि वो उनका सपना को पूरा करेगा और हमारा नरेंद्र मोदी का सपना को कोशिश करेगा कि सपना पूरा करने के लिए अरुणाचल के लिए बंबू सेक्टर को हम कोशिश कर रहे हैं और पीएम और सीएम का जो सपना को हमको जो काबिल में समझा इसलिए हमको दिया इसलिए मैं विश्वास करता हूँ। काल सार ने सभी विनेश किया कि अरुणाचल में बंबू का बारे में हमारा पीएम ने इतना जिक्र किया है इसके लिए मैं थैंक यू कहना चाहूँगा कि अरुणाचल में बहुत बंबू का बहुत इम्पोर्टेंट पहले से हम लोग बंबू क्षेत्र में ट्रैवल एरिया में तो जुड़ा हुआ है हमेशा हम लोग जिंदगी वहाँ आते ही हम लोग उसको बंबू को क्या इम्पोर्टेंट बनाना है हमको हम लोग खास इतना मालूम नहीं है। अभी हमारा इंडियन जो हमारा सरकार जो है वो जो डबल इंजन सरकार जो है इतना इम्पोर्टेंट दे रहा है बंबू सेक्टर को और हम भी उसको मन तन से हमें कोशिश करेगा हमारा ऑफिसर लोग भी मन तन से हम लोग कोशिश करेगा। लकीली हम लोग का यहाँ अरुणाचल में एक बंबू का आर्किटेक्चर भी है एक लेडी आरती मैडम है उन्होंने आप लोग सब तो देखा होगा कि बंबू का हम लोग यहाँ अरुणाचल नेशन बार्ड का वो जो संबल बनाया एयरपोर्ट में तो पूरा वो उसमें नरेंद्र मोदी साहब मेरा प्राइम मिनिस्टर तो जिक्र कर रहा था उसी दिन भी नहीं आने का पहले भी हॉर्नबिल से बंबू को हॉर्नबिल का वो जो पड़ा वो को बनाया गया है कि हम लोग थैंक्स देना चाहूँगा कि वो आर्किटेक्चर मैडम को भी और हम कोशिश करेगा कि उससे भी बेहतर हम लोग बनाने के लिए कोशिश करें। आज भी मैं बात किया था कि और स्मार्ट लोगों को हम लोग पूरा और बढ़ा रहा है तो इसलिए मैं विश्वास करता हूँ कि अभी हम जब से यहाँ संभाला तब हम लोग उसी दिन रिसेंटली भी मीटिंग हुआ हमारा वो जो शरद चौहान वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी फॉरेस्ट का वो उन्होंने उनका साथ में भी मीटिंग हुआ हम लोग ये किस तरीके से प्लास्टिक को रिमूव करना है प्लास्टिक रिमूव करने के लिए प्लास्टिक तो सरता नहीं है उसमें हम लोग मीटिंग हुआ ये निर्णय लिया कि उसको रिप्लेसमेंट के लिए हम लोग बम्बू ही हो सकता है बम्बू हम लोग ये बम्बू तो सब कुछ बना सकता है काप बना सकता है टेबल बना सकता है हम जो चेयर बना सकता है ईयर्स तक लास्टिंग होगा वो जो बोर्ड उसका लाइफ लाइन होगा हम लोग ये उसी दिन हमारा सरकार अभी सपोर्ट कर रहा है कि हम लोग को ट्रीटमेंट प्लानिंग इस डिस्ट्रिक्ट में प्लानिंग बैठा प्लान ट्रीटमेंट प्लान बैठाने के लिए कोशिश कर रहा है। अभी रिसेंटली हम लोग का यहाँ में इनॉग्रेशन होने वाला है आईजी टेक्नोलॉजी पार्क बम्बू टेक्नोलॉजी पार्क जोते में हम लोग प्लानिंग कंप्लीट होने वाला है वो जो गालो स्थल टर्निंग करने का वो जो बोयो स्थल बना चुका है अभी एनबीस्टर डेवलप भी हो गया अभी मे भी जनवरी फरवरी तक तो हम लोग का इनोग्रेशन हो जाएगा फंक्शन शुरू हो जाएगा। मैं विश्वास करता है कि वो अभी और हम लोग ये विश्वास करता है कि और हमारा सरकार तो फुल्ली सपोर्ट करेगा और हमारा वो जो प्रधानमंत्री तो और भी सपोर्ट करेगा विश्वास कर सेंट्रल लेवल में भी हम लोग को बंबू सेक्टर को सपोर्ट करेगा बोल के विश्वास करता है। हम लोग अभी बंबू पॉलिसी बनाने जा रहा है बंबू पॉलिसी नहीं होने का कारण से और स्टेट में बंबू पॉलिसी नहीं है तो नागालैंड में असम में आपका हर स्टेट में बंबू पॉलिसी हो गया हमारा यहाँ में बंबू पॉलिसी नहीं है नहीं होने का वजह हमारा सरकार ने वो जो हमारा मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने काफ़ी सपोर्ट किया लो बेटिंग भी हो गया शायद उसमें हम लोग बंबू पॉलिसी लाने वाला बंबू पॉलिसी नहीं होने का कारण से बंबू को कौन कंट्रोल करेगा इसमें हम लोग चार पांच बाग लेके गए इंडस्ट्री आधा इंडस्ट्री कभी बंबू करता है कभी टेक्सटाइल करता है कभी फॉरेस्ट कॉपरेशन करता है कभी फॉरेस्ट करता है कभी एग्रीकल्चर का भी करता है कभी हम लोग खुद बंबू APBRD करता है कभी बंबू मिशन करता है इसलिए मदर कौन होगा इसका भी हम लोग जल्दी तय करने वाला है जो काल को आने वाला के लिए बहुत अच्छा होगा ये पॉलिसी पर। और एक है हम लोग ये बनाने जा रहा है कि हम लोग 5 ईयर्स में रोड मैप बनाने जा रहे बंबू का 5 ईयर प्लान हम लोग 5 ईयर प्लान करने जा रहा है कि इसमें किस बेसिस से बंबू को बंबू सेक्टर में कैसे करके हम लोग प्लांटेशन करना है बंबू को क्या इम्पोर्टिंग बनाना है बंबू किस यहाँ से मार्केटिंग कहाँ जाना है और बंबू का क्या इम्पोर्टिंग रोल होने वाला है हम लोग अभी कंसल्टेंट नेरिस को दे दिया नेरिस जब वो जो प्रोफेशनल को दिया है वहाँ से कब हम लोग को जल्द से जल्द सबमिट करेगा होगा उसके बाद जो हम लोग स्टेट गवर्नमेंट का साथ में बैठने वाला है
बहुत बड़ा यह में, और एक है कि हम लोग को ये सपोर्ट किया है कि बंबू सेक्टर को कैसे आगे ले जाना है। उसी दिन भी मैंने जिक्र किया कि वो जो देहरानतुंग में क्लोजिंग सेरेमनी में 42 ये क्या बोलता है कॉलेज विकता, उसमें हमने गेस्ट ऑफ ऑनर किया। उधर में भी मैंने कहा था कि सेमिनार बनाना है, तो उसमें देहरानतुंग में भी हम सेमिनार बनाएगा, नेरिस में भी कोशिश करेगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज में स्टेट में। तब सेमिनार बनाने से तब हम लोग का फ्यूचर का फ्यूचर बंबू का क्या इम्पोर्टिंग होने वाला, इस पार्ट लोगों को लेके आएगा, तब हम लोग का क्या स्टेट का बंबू का क्या वैल्यू है। तो इसमें अभी नियर हम लोग का ये नेवरिंग है, वो जो असम में हमारा वो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इतना बड़ा प्रोजेक्ट उनको असम गवर्नमेंट को दिया है, वहाँ में अभी इटोनल बनाने वाला है। इटोनल बनाना नमलीगढ़ में, ये नागालैंड अरुणाचल असम या में सबसे नॉर्थ ईस्ट में हाईएस्ट बम्बू जो है ये तीन स्टेट में, इसलिए हाईएस्ट तो अरुणाचल में या क्योंकि सामने लेने के लिए। और अभी ये में भी 2023 तक इनोग्रेशन होगा जैसे लग रहा है। यहाँ में भी हम लोग का 3 लाख मेट्रिक टन पर ईयर चाहिए। एग्रीमेंट तो MOU तो ऑलमोस्ट हो गया, फाइनल करना है, वहाँ का इनोग्रेशन होने का, यहाँ का युवा पीढ़ी लोग के लिए भी तो काम आएगा। तो मैं विश्वास करता हूँ बम्बू सेक्टर जो बहुत इम्पोर्टेंट है हम लोग का, हम तो विश्वास करता है हम लोग आदमी जो है बम्बू को अभी पालने का समय आ गया पूरा। हम सबको विश्वास करता है कि सभी लोगों को मैं विश्वास करता है कि हम लोग का यहाँ 20 डिस्ट्रिक्ट है, सबको मैं विश्वास मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि बम्बू को अभी संभालिए। 3 ईयर्स में बम्बू जो है, 3 ईयर्स का बाद 5 ईयर्स का बाद में हम लोग कटिंग कर सकता है, उसके लिए बहुत जल्दी ग्रोथ होने वाला है ये जो। इसलिए हम लोग का जो गैम्बलिंग करना ये फालतू गमना छोड़ दीजिए, वो जो पूरा समझाना प्लानिंग के हम लोग प्लांटेशन करने वाला है। थोड़ा पहले का अलग है, आज का सरकार अलग है, डबल इंजन सरकार जो है बहुत काम करने वाला है। इसलिए मैं विश्वास करता हूँ कि सभी को और मेरा सरकार केंद्रीय और राज्य को सरकार को मैं विश्वास करता हूं कि मैं अनुरोध करना हम लोग को सपोर्ट करेगा बम्बू सेक्टर जो बहुत आगे जाएगा वोट के, मैं विश्वास करता हूं। नरेंद्र मोदी जी को उसका कल अरुणाचल विजिट के लिए मैं हम ऑन बिहाफ ऑफ द बम्बू सेक्टर का बम्बू चेयरमैन होने का और अरुणाचल के लिए हमें थैंक्स देना चाहूँगा कि कल बम्बू को बहुत इंपॉर्टेंट दिया है। इसके लिए हमेशा हम लोग याद रहेगा कि बम्बू जब अरुणाचल आगे बढ़ेगा नरेंद्र मोदी का नाम एक ना एक दिन तक आई में तो हम लोग प्लानिंग करेगा प्लांटेशन वो नरेंद्र मोदी का नाम एक आई बड़ा लैंड लेके उसका नाम प्लांटेशन हम लोग दिखाना चाहता है। मैं वही विश्वास करता हूँ कि बम्बू को मैं आगे ले जाना चाहता हूँ। हाँ मैं ये युवराज भाई मैं उसी दिन भी मैं मीटिंग में बैठा था कि वो जो डीजी को भी मैं बात किया था जो पुलिस हाउसिंग में हम तो ये विश्वास करता है कि हम लोग को बम्बू का ज़्यादा मॉडल टाइप में बनाना चाहिए। हाँ वो जो आज का तारीख में आप कभी कभी देखिए बड़ा बड़ा लोग का घर में देखिए बहुत अरसी सुंदर होने से भी वो बम्बू किचन में बम्बू बना रहा है अभी बहुत सुंदरता से ये डेकोरेशन कर रहा है अभी मतलब अरुणाचल में जग रहा है। सच में बोलने से बम्बू को इम्पोर्टेंट देने से हम लोग का ये तो आर्टकोट जोन है आर्टकोट जोन जो है उसको बहुत अच्छा हो गया। आरसी से रखने से तो रिस्की है। हम लोग का ये विश्वास करता है कि पहले बम्बू जो है लास्टिंग नहीं किया जाता था क्योंकि हम लोग रो मीटर को लेके लगा देता है तो ऐसा होने से तो दिखने में भी खराब होता है, जल्दी सार जाता पोक आता है। तो अभी क्या करता है कि वो बम्बू ट्रीटमेंट प्लान होना है, ये बम्बू ट्रीटमेंट प्लान हम लोग का भी नहीं लगाया तो इसलिए अभी हमारा मुख्य युवा नेता पेमा खांडू मुख्यमंत्री जी ने बहुत सपोर्ट करा है कि हम लोग एग्जाम्पल 2-3 जगह में बम्बू ट्रीटमेंट प्लान सेट करने जा रहा है। तो इसमें बम्बू ट्रीटमेंट प्लान होने का बाद जो है क्या करता है उसमें वो जो 30 ईयर्स का लाइफ लाइन होता है तो इसलिए हम लोग कोशिश कर रहा है कि बम्बू ट्रीटमेंट प्लान में प्लान बताना के लिए कोशिश कर रहा है होना चाहिए कि हम विश्वास करता है कि हम लोग बम्बू ट्रीटमेंट प्लान बताने का बाद जो और हम लोग का या जितना इंटरप्रेनर लो बम्बू को बहुत इंपॉर्टेंट लेगा विश्वास करता है कि और हर जगह में हम लोग का बम्बू चेयरमैन होना चेयर होना चाहिए कि हर ऑफिस में बम्बू चेयरमैन होना बहुत जरूरी है। हम लोग अभी वो भी हम लोग सेटअप कर रहा है, टेबल चेयर बनाना हम लोग शुरू कर दिया है और इसका बाद टाइल्स भी बनाने के लिए स्टार्ट कर रहा है, बहुत जल्दी आने वाला है। हम बहुत कुछ कर रहा है। टोटल कितना है मेरा हम लोग का अंडर में यहाँ में तो 8
30,000 स्क्वायर किलोमीटर है मे बी एरिया। तो इसमें हम लोग का तो बम्बू तो आप सबसे ज़्यादा तो बम्बू ही यहाँ में पूरा पड़ा हुआ है, तो उसको हम यूज़ में नहीं लाया। हम लोग कोशिश करेगा, अभी हम लोग जो फॉरेन टूरिंग भी बोर्ड इंटरप्रेन्योर लोग को भेजने वाला है स्मार्ट लोग को, क्योंकि वहाँ से नॉलेज लेके आना है, तब हम लोग और क्या टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ा सकता है। कोशिश कर रहा है कि इतना हुआ यहाँ में बम्बू पड़ा हुआ है कि 80,000 स्क्वायर, जो हम लोग का स्पेसेस जो है अरुणाचल 85 है। आप सोचिए अरुणाचल नॉर्थ ईस्ट में 105 स्पेसेस है, तो अरुणाचल में 85 है, कितना बड़ा जो ये वेराइटीज है आप सोचिए। तो इसको हम लोग इम्पोर्टिंग में लेके जाना चाहिए, तो ये बहुत कुछ हम लोग करने जा रहा है। और सपोर्ट तो हमको सरकार से बहुत बड़ा सपोर्ट चाहिए, और लकीली अभी हम लोग का पीसीसी जो है पहले जो नीति आयोग में काम किया वाला है, जितेंद्र कुमार सिंह ने नीति आयोग में काम, उनका गाइडेंस में अभी बहुत अच्छा काम करने वाला है, इसलिए हम लोग और मेरा वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी शरद चौहान जो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट दे रहा है, तो हम लोग काम होना चाहिए, इसलिए विश्वास करता है। इतना मुख्यमंत्री साथ दे रहा है तो हम लोग क्यों काम नहीं।